नमस्कार, मैं हूं रक्षिता मिश्रा। स्वागत है आपका वेकअप इंडिया के दिन भर के देश और दुनिया की जरूरी खबरों में। पर उससे पहले आज की हेडलाइंस। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम स्कीम का प्रस्ताव रखा। 20,000 महिलाएं होंगी लाभान्वित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, गौवंश पालने वाले किसानों को देंगे 900 रुपए प्रति महीने। WWE स्टार हेस की तस्वीर हुई वायरल, लोगों ने उन्हें हार्दिक का हमशक्ल बताया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से जुड़े केस में ईडी ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में शाम 5 बजे तक हुआ 57.45% मतदान। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने रेप व हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को मिली जेड प्लस सुरक्षा को लेकर कहा है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ठंड लगने के चलते हुई दिमागी बीमारी के बाद ब्रिटेन में 20 साल की यादें भूली महिला। एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान बिलगेट्स ने कहा कि भारतीय वैक्सीन निर्माताओं की बदौलत ही कई देश बच्चों को निमोनिया की वैक्सीन दे रहे हैं। ICC ने बल्लेबाजों की ताजा T20 रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत के वेंकटेश अय्यर ने 203 स्थान की छलांग लगाई है और अब वह 115वें नंबर पर पहुंच गए हैं। यूक्रेन की सुरक्षा परिषद ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की योजना को दी मंजूरी। भारत पहुंचे 3 और राफेल लड़ाकू विमान, 36 में से 35 राफेल की हुई आपूर्ति। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों को खारिज किया है। बांग्लादेश ने बनाया वनडे इतिहास में 7वें विकेट के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड। बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने चुनावी रैली के दौरान मंच पर लगाई उठक बैठक, वीडियो आया सामने। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने से किया इनकार। 11वीं बार मां बनने वाली है अमेरिकी सिंगर कीकी वाइट बेबी बम्प के साथ शेयर की तस्वीरें। रूस हमले के बीच यूक्रेन में फंसी सौम्या पाल नामक भारतीय छात्र ने ऑल इंडिया रेडियो से कहा है कि हम अब बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज रोकने वाली याचिका। समाचार एजेंसी NI के रॉयटर्स के हवाले से बताया गया है कि यूक्रेन पर हमले के बाद लिथुआनिया ने आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए कर रहे हैं वैकल्पिक प्रबंध। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को बताया है कि दिल्ली में ई वेस्ट प्रबंध इको पार्क बनाया जाएगा। यूक्रेन में सभी 18,000 भारतीयों को सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे केंद्र सरकार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी राजधानी कीव से निकलने के मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगने की तस्वीरें आई सामने। RBI के पूर्व गवर्नर रघुनाथ राजन ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव केवल तेल व गैस पर ही नहीं बल्कि अन्य आवश्यकता वस्तुओं पर भी पड़ेगा। मोहाली कोर्ट में ड्रग्स केस में आरोपी शिरोमणि अकाली दल के नेता व पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया को 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजस्थान में जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। मेक्सिको में जिम में 180 किलोग्राम वजन उठाने के दौरान महिला की हुई मौत, वीडियो आया सामने। छात्र ने MP में MBBS परीक्षा में नकल के लिए सर्जरी से कान में फिट करवाया ब्लूटूथ डिवाइस। राजस्थान सरकार ने बजट पेश होने के बाद सभी 200 विधायकों को गिफ्ट किए iPhone 13। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंकों ने भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से 18,000 करोड़ वसूल किए हैं। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध में मांगी PM मोदी की मदद, महाभारत का दिया हवाला। रूस के आक्रमण के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की जो कोई भी रक्षा करना चाहता है हम उसे हथियार देंगे। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेन ने ट्वीट किया हिटलर पुतिन का कार्टून। PM मोदी रूस यूक्रेन संकट के आर्थिक प्रभावों पर वित्त मंत्री के साथ करेंगे आज चर्चा।
यूक्रेन पर रूस के हवाई और जमीनी हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के हवाले से AFP ने बताया है कि यूक्रेन ने रूस के साथ राजनयिक संबंध तोड़ लिए हैं। यूक्रेन में फंसे 20,000 भारतीयों के लिए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मुश्किल वक्त में मुंह फेर लेना और चुप्पी साध लेना मोदी सरकार की आदत बन गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को बजट भाषण में विभिन्न सरकारी विभागों में 1,00,000 नौकरियों का ऐलान किया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट करके पीएम मोदी से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने की अपील की। खालिस्तान समर्थकों की आलोचना करने पर कनाडा में भारतीय रेडियो होस्ट पर हुआ हमला। कर्नाटक ट्रांसजेंडर्स को शिक्षकों की नौकरी में 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना। पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 1,00,000 लोगों को रोजगार मिला। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को ED द्वारा गिरफ्तार करने का जश्न मनाने के दौरान सार्वजनिक तौर पर तलवार लहराने को लेकर मुंबई में पुलिस ने BJP नेता मोहित कम्बोज को गिरफ्तार किया है। विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा है कि भारत का रुख निष्पक्ष है, हम शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। इससे पहले भारत ने UNSC की बैठक में कहा था कि हालात एक बड़ा संकट बनने की राह पर है, हम चाहते हैं कि तनाव जल्द से जल्द कम हो और हालात से जुड़े सभी मुद्दों को कूटनीति के जरिए सुलझाया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बहराइच में कहा है, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन को ऐसे चलाया है कि अब प्रदेश में एक भी बाहुबली नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि अब हर जगह सिर्फ बजरंगबली ही बजरंगबली दिखाई पड़ते हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र से पहले पटना जिला प्रशासन ने बुधवार को विधानसभा परिसर के अंदर शराब की बोतलों की तलाशी का अभियान शुरू किया है। देश और दुनिया की सभी जरूरी खबरों के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।